ଅଭିନେତ୍ରୀ କବିତା ମୋହିତେ ଜଣେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହିସାବରେ ଏବେ ଏବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଲା ଟାଇଟଲରେ ତାଙ୍କର ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। म्यूजिक वीडियो मेरा रिसेंटली रहा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अकॉर्डिंग टू म्यूजिक वीडियो और मेरा सीरियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जैसे कि आप देखते हैं कि म्यूजिक वीडियो में क्या होता है, 2 से 4 मिनट का ड्यूरेशन निकालना होता है डायरेक्टर को। डायरेक्टर के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम है, आर्टिस्ट के पास भी टाइम है, स्क्रिप्ट नहीं है, आपको बहुत बिंदासली 2-3 दिन में 2-4 मिनट का शूट करना पड़ता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स में क्या होता है कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम में रहता है, डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपको काम करना पड़ता है, डायलॉग्स जल्दी याद करना पड़ता है। ଯେଉଁଥିରେ କବିତା ଏକ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ କିଆ ଉସକା କୁଛ ଔର ଅଲଗ ହି ମଜା ହେ ଔର ଟିଭି ସିରିଏଲ କା ବହୁତ ଅଲଗ ମଜା ହେ। କବିତା ମୋହିତେଙ୍କର ABZY ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସିରିଏଲ ରିଲିଜ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କବିତା ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ କ୍ରାଇମ ବେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ହେ, ଏକ ଜେସେ କି ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାଇମ ପେଟ୍ରୋଲ ଔର ଇସପେ ମେ ନେହା କା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁ ଆଜ୍ ଅ ଲିଡ। କବିତା ଆଜି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଡିରେକ୍ଟର ରୂପେଶ ରୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ହୋନେ ଜିସ୍ ତରହ ସେ ସେଫ୍ଟି ରଖା, ଜିସ୍ ତରହ କା ଉନ୍ହୋନେ ସାରେ ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଫଲୋ କିଆ, ଓ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ରହା, କ୍ୟୁକି 70-80 ଲୋକଙ୍କ ସାଥ କାମ କରନା ଛୋଟି ବାତ ନହିଁ ହୋତି। ରୂପେଶ ମଧ୍ୟ କବିତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି। ପହିଲେ ତ आपको आपका स्टूडेंट इतनी बड़ी बात बोले वही बहुत बड़ी बात होती है एक गुरु के लिए, लेकिन मैं इतना बोलूँगा, मैंने ये कोट पढ़ी थी कि जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, इट मींस कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया को नहीं रूपेश कहती, सोशल मीडिया रे एक्टिव रहो, એટલે એતે એક્ટિવ રહોને જે જોંટા તુમકો એડિટ કરી દબો। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हर चीज की एक लिमिट होना बहुत जरूरी है। अभी मैं रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहा था गूगल पे ही कि एक लड़का, यंग लड़का, 16 से 17 साल का लड़का, इतना ज़्यादा मीडिया के अंदर, इतना सोशल मीडिया में घुसा हुआ था कि उसको ब्रेन की कोई डिजीज़ हो गई है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ के अंदर जो आपको डिस्करेज करती है। तो इनक्रेज करने वाली चीज़ों से रिलेटेड यू ज़रूर चीज़ें देखें, जैसा कविता ने बोला कि अपना एक टाइम लिमिट बना लें, जैसे कि आप टीवी देखने का एक टाइम लिमिट बनाते हैं, जॉगिंग करने का, फिटनेस का, खाने का, पीने का, इसी तरीके से सोशल मीडिया का भी एक टाइमिंग बना लीजिए कि मुझे 15 मिनट सुबह इतना टाइम देखना, इतना देखना, इतना देखना है। तो आई होप कि इन डिजीज़ से लोग दूर हो पाएंगे। इंटरव्यू रे मीडिया वालों को अनुरोध रे कविता को मध्य एक पुराना गीत रे दुई धड़ी गाउथिबार देखिबा को मिलिथिला। आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना। थैंक यू वेरी मच। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବୁ, ବଲିଉଡ଼ରେ କବିତା ମୋହିତେଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯାଉ।